हेलो एवरीवन सो कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे एयरफोर्स फोर्स 2025 की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और आई होप आप सभी लोगों ने अपना पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा अब देखो बारी आती है फेज़ टू की तो फ़ेज़ टू देखो कठिन नहीं है लेकिन हम इसको हल्के में भी नहीं ले सकते इसको एक अच्छी गाइडेंस से अगर हम क्लियर करते हैं तो एक ये बहुत बढ़िया रहता है हमारे लिए अदरवाइज़ तो देखो जीडी का हमें पता ही नहीं चल पाता कि जीडी में मैं आउट किस रीजन से हुआ और अगर हम फिजिकल में आउट हो जाते हैं तो हमें वैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार एयरफोर्स के अंदर सात मिनट दी गई थी हमें रनिंग के लिए वो भी नहीं हो पाई हमें अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो।, तो इस वीडियो के अंदर देखो मैं एक छोटा सा टॉपिक है उसी को कवर करूँगा धीरे धीरे आप सभी लोगों के लिए और भी वीडियोज़ आएंगे आप कनेक्टेड रहना और वीडियो को शेयर जरूर करना आप सभी लोगों के साथ में ठीक है मेरे दोस्तों तो हम जो है इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है आप जीडी की प्रिपरेशन ये आप लोगों का डाउट है कि ऑफलाइन जाएं या फिर ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं ऑनलाइन देखो दो ऑप्शन आपके पास एक तो जो है आप किसी टीचर्स का पेड बेच लीजिए और एक जैसे आप हमारे साथ फ्री के अंदर टेलीग्राम पर प्रिपरेशन कर सकते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो आप लोगों से मुझे एक प्रोमिस चाहिए कि आप ये जो वीडियो है ये हर उस एस्पिरेंट के लिए के पास जाना चाहिए जिसने भी 2025 का से पच्चीस के सेकेंड इंटेक का एग्ज़ाम दिया है और आपके की में से उम्मीद भी है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं आपको जो है लास्ट तक लेके जाऊं आपकी ज्वाइनिंग तक जैसे कि आपने 2025 के फर्स्ट इंटेक वालों को देखा होगा बहुत सारे भाई हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ऐड हैं और उनको हमने जीरो से स्टार्ट किया था अभी उनकी ज्वाइनिंग है तब तक हम उनके साथ थे तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ में रहेंगे तो आप इसी तरीके से जो है कनेक्टेड रहना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन करोगे आप तो जो है आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर सेंड कर देता हूँ तो वो आप ज्वाइन जरूर कर लेना चलिए हम मुद्दे की बात पर आते हैं देखो आपको पता होगा देखो कि फेज़ टू के अंदर जो है आपका तीन तरीके से होता है एक रनिंग मान सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो रनिंग का ही होता है अगर आप रनिंग करते हैं तो फिर आपको पीएफटी करना होता है पीएफटी के अंदर देखो आपका जो है पुशअप सेटअप स्क्वाश तीनों होती हैं और लास्ट होता है जीडी तो अभी जो है हम फिजिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे कि फिजिकल किस तरीके से करना ऑलरेडी पहले भी वीडियोज़ मेरे बनाए हुए हैं तो मैं नई वीडियो बनाऊँगा हर इनटेक आता है हर इनटेक को सबको नई नई चीज़ें चाहिए चीज़े होती हैं होती एक्चुअल में सेम है बट चलो करेंगे उसके लिए भी मेन मुद्दा है हमारा कि हमें ऑफलाइन जाना चाहिए ऑनलाइन जाना चाहिए जेन्यून एडवाइस दूंगा और टीचर्स का भी नाम लूँगा कि जिससे आप जो है अच्छी गाइडेंस ले सकते हो अब देखो बात यह है कि आप लोगों का जो फेज़ टू है वो अगर मैं डेट की बात करूँ तो आपका जनवरी लास्ट तक जो है पिछला इनटेक का जो है जनवरी लास्ट तक हुआ था तो इस इनटेक का भी जनवरी लास्ट है फिर फैब स्टार्टिंग से तो फाइनल है मतलब कि जनवरी लास्ट फाइनली मान के चलो आप बीस या फिर इक्कीस तक हुआ था और पंद्रह जनवरी तक आपके जो है एडमिट कार्ड आ गए थे तो इसी हिसाब से आप इस इनटेक का भी आप मान के चलना कि इसी का होने वाला है अगर आप डायरेक्ट मुझसे पूछना चाहोगे कि अगर मैं ऑफलाइन जाऊँ या ऑनलाइन जाऊँ देखो जी का तो देखो ऐसा सीन है कि इसका कोई यस या नो में आंसर नहीं है सबका इंडिविजुअली डिपेंड करता है अगर आपकी थोड़ा बोलने का अच्छा अच्छा बोल पाते हो आप लोग और जो आपके कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा और आपको पता है कि किस तरीके से जी में बोलना पड़ता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी आपने प्रिपरेशन घर पर बैठ के की है या फिर कोचिंग में की है जहाँ पर भी और आपको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपके लिए आपको जाना चाहिए समझ में आ गई मेरी बात अब मैं और धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को इसका इससे इतना मत समझना आप लोग आपका देखो रनिंग जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को पीएफटी एफ टी का कुछअप सेटअप स्क्वाड से ही आपको खुद करना पड़ेगा रही बात जी की केवल जी का ही डाउट है ये जी आपको जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और इसके अंदर आप आउट होते हैं तो भी आपको पता नहीं चलता अब देखो आपके पास तीन ऑप्शन है मैं यहाँ पर लिखना भूल गया मैं लिख देता हूँ देखो तीन ऑप्शन आपके पास अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो किन को जाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा पहला आपके पास कैडेट डिफेंस अकेडमी सी डी ए जो कि संजीव सर आप जानते होंगे दूसरा ऑप्शन आपके पास तीन अकेडमी के नाम लूँगा मैं एक दूसरा उत्कर्ष जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो उत्कर्ष को प्रेफर कर सकते हैं और तीसरा जो है आर डब्ल्यू ए रोजगार वितंकित सर की है जो डिफेंस नाम से है उसका तो वहाँ पर भी ए, जो है दीपक भाटी सर हैं दीपक भाटी हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट तो हैं वो वहाँ पे ठीक है तो आप देख लेना मतलब ये अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो ये तीन में जा सकते हो अपना मैं इनको जानता हूँ इनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ सिंपल चीज़ है देखो अगर ये है कि आप मैं अगर आप यूपी बात की बात करोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं बट ये है कि इन जो तीन कोचिंग है यहाँ पर आपको धोखा नहीं मिलेगा कहने का मतलब इतना से अब ये भी हो सकता है कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप तो प्रमोशन कर रहे हो देखो भाई ऐसे ही बात है कि जिन टीचर से हम पढ़े हैं उनका नाम लेने में हमें कोई शर्म नहीं है और अगर प्रमोशन आप मानते हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप प्रमोशन मान सकते हो वो आपकी मानसिकता है कि आप क्या सोचते हो ठीक है जिन टीचर्स को मैं नहीं जानता उनका नाम नहीं ले रहा मैं उत्कर्ष बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं बेसिकली मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ अकेडमी डिफेंस अकेडमी संजीव ठाकुर सर बहुत अच्छे जानता हूँ ऑफलाइन भी मिला हुआ मैं उनसे उनकी कोचिंग में का मेरे को काफ़ी पता है उनका रही बात आर की यहाँ मैं नहीं गया हुआ बट ऑनलाइन उस तरीके से मैं जानता हूँ उनको कि आपके साथ ही पर धोखा नहीं होगा कहने का मतलब इतना से ये चीज़ आप देख सकते हो अगर इसके अलावा आपको अदर कोई कोई कोचिंग दस्ती है जतने का इन सेंस कि आपको उसकी फ़ीस और जो वहाँ का एन्वायरमेंट वो अच्छा लगता है तो आप जो वहाँ पर भी जा सकते हो अब देखो ऑफलाइन जो जाते हैं अभी मैं बात करूँ कि जो एक चौबीस का इंटेक था एक मिनट हाँ एक चौबीस का इंटेक था और एक जो है एक पच्चीस का इंटेक था इन दो इनटेक में बहुत सारे बंदों ने ऑफलाइन गए और उनका जब मैंने पूछा टेलीग्राम से तो वो यही बोल रहे थे कि भैया ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था वहाँ पे जो कि मुझे जाना चाहिए था देखो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है क्योंकि अगर आप फेज टू भी क्लियर कर लोगे ना आप जो है जीडी उसके बाद भी आपको ये लगेगा ये तो बिल्कुल आसान होता है पेपर आप क्लियर कर लेते तो भी आपको ये लगता है पेपर आसान होता है बट जब नहीं होता है तब हमारे अंदर डर बहुत ज़्यादा होता है और डर का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं दस दस हज़ार रुपये पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये जो भी उनकी फ़ीस होती है तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है बट आपको चीज़ें क्लियर करने के बाद ही ये लगता है कि नहीं ये ये तो ईजी था बट आप उसको लापरवाही में लेगे कि नहीं मैं तो उसको इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करूँगा तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या ऑफ़लाइन और ऑनलाइन जाने में क्या डिफरेंस है ये मैं बता दे रहा हूँ और ऑनलाइन हम किस तरीके से करवाएंगे वो तो मैं आपको एक अलग वीडियो में करूँगा हमारा भी है अभी बताता हूँ मैं देखो ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन में दो ही कंडीशन में आपको ऑफलाइन प्रेफरेंस दूंगा एक तो देखो कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एक्सपीरियंस देखो ऐसा है कि जीडी सिंपल सी चीज़ अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको वहाँ पर पीएचडी करवा दी जाएगी सिंपल चीज़ आप जाओगे पंद्रह दिन मुश्किल से आपकी प्रिपरेशन रहेगी आप वहाँ पे मौज भी करोगे और अपना जो है थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी हो जाएगी सिंपल चीज़ है आप जो है वहाँ बोलना सीख जाओगे हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता जा सकता चाहे आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ आप लोग ठीक है मेरे भाई आपको हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ से भी पढ़ रहे हो जहाँ से भी आप जा रहे हो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड ही पेश करना होता है सिंपल सी चीज़ आप मेरे भी वीडियोस देखते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं कोई हेल्प नहीं मिली आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ हमें थोड़ा मदद मिला सिंपल सी चीज़ है सिलेक्शन आपको ही लेना है सभी चीज़ें पेपर भी आपने किया है फेस टू भी आप ही लोगे बट एक कोचिंग जो है एक आपको बीच के अंदर जो है एक थोड़ा सा हेल्प कर देती है सिंपल चीज़ है आपको जाना है नहीं जाना आप ख़ुद को देखना पड़ेगा कि आप एक तो जो है फाइनेंशियली अफोर्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे इसके अलावा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जो है ऑफलाइन जाइए अदरवाइज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो अभी आप जो है मेरे हिसाब से ऑफलाइन जो है रिज़ल्ट के बाद ही चीज़ें स्टार्ट होंगी तो आप रिज़ल्ट के बाद ही जो है आपके पास फिर भी काफ़ी टाइम बचेगा आप पंद्रह दिन भी ऑफलाइन चले जाओगे फिर आप ऑनलाइन हमसे भी जुड़ जाओगे फ्री के अंदर तो भी सफिशियंट रहेगा आप लोग तो एक तो आपके पास टाइम है यानी कि आपके पास आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं वो मैं बता दूंगा एक अलग वीडियो के अंदर कि मार्क्स कितने होने चाहिए कट ऑफ टाइप वीडियो बना देंगे हम कि इतने हैं तो आप जो है जी की प्रिपरेशन ऑफलाइन जा सकते हो ठीक है मेरे भाई इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो आप जा सकते हो दूसरी चीज़ देखो एक ये भी रहता है कि नहीं मैं तो ये घर पे बैठ के भी कर सकता था देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना लाइफ में कि हर चीज़ घर पे बैठ के नहीं होती हमेशा ध्यान रखना आप, आपको बाहर निकलोगे तो आप बंदों से मिलोगे जो कि आप ऑल ओवर इंडिया से आप अगर जो है यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको बिहार का बंदा भी मिलेगा उत्तराखंड का भी बंदा मिलेगा आपको ठीक है राजस्थान का मिलेगा एम का भी मिलेगा तो ऐसे बंदों से आप मिलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार और भी बंदे जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है ठीक है मेरे भाई तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे बात समझ गए होंगे कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो ठीक है अब आप, आप बार बार पूछते रहोगे कि नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ तो वो कंफ्यूजन में मत रहना आप केवल एक डिसीजन ले सकते हो ठीक है और अगर आपको केवल ये है कि नहीं मेरी कंडीशन ठीक नहीं है तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो या तो किसी का पेड बैच ले सकते हो ऑनलाइन के दो ऑप्शन मैंने अभी बताए थे आपको कि आप किसी का पेड बैच ले सकते हो या फिर जो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो जो कि आपको ये देख सकते हो ये हमारा चैनल है ऑफिशियल चैनल इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये आप यूं ही सर्च करोगे वायोधा जी डी स्पेशल तो ये मिल जाएगा आप लोगों को या फिर इसकी लिंक आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी ऐसे पब्लिक लिंक नहीं मिलेगी क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो है सीरियस बंदों को ही मिल पाए ठीक है भाई और ये देखो इस तरीके से जो है आपको दिख रहा है इस तरीके से आपके ऑनलाइन होगी जी की बिल्कुल फ्री है देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई इसका कॉस्ट नहीं है बट हम डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी हमारी एफर्ट लगता है बट वो हम मैनेज करते हैं तो ये आप देख सकते हो ये किस तरीके से होगा हमारे ये जो पूरा प्लान आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा कि हम जो है आपको फ्री में कैसे करवाएंगे आपको मेनली ऑफलाइन का ही मेरे को एक्सप्लेन करना था देखो ऑनलाइन का तो कुछ एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं ऑनलाइन आप किसी का पेड कोर्स लोगे तो वो सबका रहता है अपना अपना कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे बट मेनली रहता है ऑफलाइन का कि ऑफलाइन का क्या किया जाए तो ये जो है अभी दो तीन घंटे के अंदर लड़कों ने जो है अच्छा एग्जाम क्लियर किया है अपने अकॉर्डिंग भी किया है जी इतना हार्ड नहीं था तो वो क्या है कि एक अलग ट्रेंड चला गया लड़कों के पास लड़कों ने रिव्यू भी डाल दिया कि नहीं हमने तो घर से किया था ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है बट ये कहीं ना कहीं एक उस बंदे के लिए गलत है जिसने अभी जैसे दो हज़ार तेईस मान के चलो या फिर चौबीस में हाँ, चौबीस में मान सकता हूँ मैं या फिर जो है बाईस बाईस वाला बंदा तो आई थिंक नहीं तेईस चौबीस में जिसने ट्वेल्थ क्लियर किया है जिसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक और उसके पास वक्त है तो वो बिल्कुल ऑफलाइन जा सकता है कोई दिक्कत नहीं आप ख़ुद बोलोगे कि हाँ मुझे कुछ मिला अब देखो आप एक्सपेक्टेशन ही अपनी हाई लेके चलोगे कि नहीं मुझे तो वहाँ सीधा ऑफिसर ही बना के निकाल दिया जाएगा वो बिल्कुल नहीं होगा देखो आप एक्सपेक्टेशन अपनी लो लेके चलो और आप वहाँ पर जाके देखोगे तो सीखोगे चाहे आप कहीं किसी भी प्लेयर कोचिंग में जाओ आप लोग तीन मैंने बता दिए आप लोग तीन संजीव सर का कैडे डिफेंस अकेडमी वाला और उत्कर्ष और जो है रोजगार वितंकी डिफेंस ये तीन जो है अगर रोजगार वितंकी डिफेंस का ऑफलाइन नहीं है तो आप इन दोनों के अंदर जो है प्रेफरेंस दे सकते हो आप लोग ठीक है मेरे भाई यहीं मैक्सिमम बंदे जाते हैं अगर आपके एरिया में जैसे मैं एमपी की बात करूं या फिर जो है जैसे उत्तराखंड है आपका और यूपी में भी बहुत सारी कानपुर है प्रयागराज है यहाँ पर बहुत सारी जो है ऑफलाइन कोचिंग्स हैं अगर आपको अच्छा लगता है आप जानते हो उनको और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो तो फिर जो है आप वहाँ पर भी जा सकते हो बट इनकी मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर आपको धोखा नहीं मिलेगा धोखा आप जानते ही हो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता कि आपसे पैसे लेते हैं फिर जो है आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो कि आप चाहते हो तो आप हमसे ऑफलाइन भी ऑनलाइन आप हमसे टेलीग्राम जुड़ सकते हो आपको मैंने ये भी लिख रखा है यहाँ पे कि आपको आप सर्च करोगे तो यही मिल जाएगा आपको संदीप एम नाम से और ग्रुप भी है हमारा और मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से आप जुड़ सकते I hope हो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे को बार बार रिपीट करने की ये जरूरत नहीं है इसके अलावा आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग और यही कहूँगा देखो कि आपका जो अभी टाइम है आपकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है तीस पैंतीस आपकी एज हो गई और आपको अभी फाइनल कुछ देना है लाइफ है थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए अगर आपकी ए, आपकी फाइनेंसियल कंडीशन ठीक है और आप थोड़ा सा एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा ऑफ़लाइन और दो चीज़ मैंने बता दी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके पास वक्त अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं है थोड़े तो आपको ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग जो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी एक छब्बीस के लिए जो नेक्स्ट इंटेक आ रहा है इसके अंदर आपको किस तरीके से करना चाहिए और आपका फेस टू का मैं किस तरीके से मैं आपको आगे हेल्प करने वाला हूँ पुशअप्स का वीडियो मिलेगा आपको सेटअप्स सभी की ऑलरेडी हैं वीडियो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहाँ पर मैं लिंक डालता रहता हूँ तो वो और या फिर आ, आप ऑलरेडी आप हमारा चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर भी आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी ठीक है मेरे दोस्तों तो यही है ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं सिंपल चीज़ है आपको समझ आ गया होगा मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं सीधी भाषा में आपको किया है बात अब आपकी इच्छा है आप क्या बोलते हो को प्रमोशन कर रहे हो ये वो सब चीज़ें वो आपके ऊपर इच्छा है जैसा भी आप बोलते हो तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ठीक है मेरे दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अगले दो तीन वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यूस गाइडेंस मिलने वाली ठीक है मेरे भाई जय हिंद